नमस्कार। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम सुनील गुप्ता है और मैं कंपनी के मार्केटिंग प्लान में सेफायर मैनेजर हूं। आज फर्स्ट टाइम कितने लोग आए, प्लीज रेज योर हैंड्स। अरे आधे से ज्यादा लोग तो फर्स्ट टाइम ही लग रहे हैं। देखिए, आज आप लोगों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है, आपकी लाइफ बदलने वाली है आज आप में से ज्यादातर लोगों की। लेकिन क्या इसके लिए आप तैयार हैं? क्या बात है, काफी एक्साइटेड लोग लग रहे हैं। खैर, मैं मेरठ आया आज तो मुझे ऐसे लगा जैसे अपने गांव में आ गया हूँ। और मेरठ में मेरे भाई की एक्चुअली ससुराल है मेरठ, तो कई बार यहाँ पे आने का मौका मिलता था। तो जो दामाद की जो खातिरदारी होती है, तो जब मैं मेरठ आता हूँ तो वो भी याद आ जाती है, क्योंकि तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। खैर, देखिए, जब आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो ज़्यादातर केसेस में उसका प्राइस आपको पे करना पड़ता है, वो पेन आपको उस पेन के थ्रू गुजरना पड़ता है। मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूँ और मेरा गांव बुलंदशहर ज़िले में एक छोटा सा गांव था। फिर नया ज़िला बना गाज़ियाबाद, तो मेरा गांव उसमें ट्रांसफ़र हो गया। फिर नया ज़िला बना गौतम बुद्ध नगर, फिर उसमें ट्रांसफ़र हो गया, यानी कई बार बदल गया। अभी क्या है, जो मेरी पढ़ाई के दौरान भी काफ़ी मुझे स्ट्रगल आई, पढ़ाई जैसे जैसे मैं आगे बढ़ना चाहता था, आगे पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन घर वाले तैयार नहीं थे। घर वाले कहते हैं कि आप शहर में जाओ और कोई छोटा मोटा काम कर लो या गांव में ही कुछ कर लो। लेकिन मेरे दिमाग में फितूर था, मुझे लगता है कि आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करना चाहिए। तो मैंने घर वालों से बात की, घर वालों ने मना कर दिया, जी हमने नहीं पढ़ाना। मैंने कहा मैं घर से भाग जाऊंगा और फिर नहीं कहना कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भाग जा। उसके बाद मैंने उनको और धमकी दी कि मैं 2-3 साल नहीं आऊंगा, फिर क्या करोगे, ये है। तो क्या है, आजकल तो 1-2 बच्चे होते हैं, लेकिन गांवों में ऐसे दर्जनों बच्चे होते हैं, तो 1-2 इधर उधर भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। तो परिस्थितियां ऐसी हो गई कि पढ़ाई करने के लिए मुझे घर से भागना पड़ा। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर तरह तरह की कठिनाइयां आनी थी, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए पैसा भी चाहिए। पैसा, पैसे के लिए क्या है, मैं कई बार ट्यूशन करता था, कई बार पार्ट टाइम जॉब करता था, लेकिन ट्यूशन भी हमेशा नहीं मिलते, पार्ट टाइम जॉब भी हमेशा नहीं मिलते, उस तरह की सिचुएशन आती है। तो मुझे काफ़ी अनुभव है, भूखा रहने का काफ़ी अनुभव है मुझे, और चने खा के सोने का, थोड़े से चने खा के ज़्यादा पानी पी के सोने का, केले खा के सोने का, उस तरह के काफ़ी अनुभव। बल्कि एक बार क्या हुआ, मैं 2 दिन से भूखा था और मुझे ऐसे लग रहा था इस बार तो कि प्राण ही निकल जाएंगे जैसे। और फिर गांव से मैं करीब 1000 किलोमीटर दूर था, तो एक नॉर्थ इंडियन फैमिली वहां पे रहती थी, तो उनके यहाँ से चने और ये पूरी ये आई, उनके यहाँ कुछ था। तो जब ये मुझे खाना आया तो मुझे ऐसे लगा जैसे साक्षात भगवान मुझे वो खाना देने आए हों।
तो मैंने सोचा कि मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ, तो मैंने आंखें बंद की और भगवान का धन्यवाद किया। जैसे ही आंखें खोली, बिल्ली खाना लेके भाग गई। जो थोड़ा बहुत बचा, जो चने वगैरह बचे, वो भी खाए नहीं, क्योंकि झूठे हो गए थे बिल्ली के। तो आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो ये परेशानी आपको आएंगी आएंगी। अब खैर, पढ़ाई पूरी हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने नौकरी चालू की। करीब 4 साल तक मैंने नौकरी की। इसमें ज़्यादातर टाइम दिल्ली में था और तब तक मेरी शादी भी हो चुकी थी, एक बच्चा भी हो चुका था। अब इस नौकरी के दौरान मुझे ऐसे लगा, यहाँ कितने लोग नौकरी करते हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। काफ़ी लोग हैं आप, क्योंकि मुझे हैंड टू माउथ रहता था तो आप मेरा दर्द समझ रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता था कि दिल्ली सिटी के अंदर मैं एक अच्छी कॉलोनी में एक अच्छा सा घर भी नहीं बना पाऊंगा। बनेगा तो जब 60-65 की उम्र होगी, जब कब्र में पैर लटके होंगे तब तक बनेगा। और मुझे ये मंजूर नहीं था। मुझे ऐसे लगता था कि ये कीड़े मकोड़े वाली लाइफ, क्या मैं इसी तरह जीऊँगा, क्या मैं अपनी वाइफ को बच्चों को ये लाइफ देने वाला हूँ। तो मुझे ये मंजूर नहीं था, तो मैंने नौकरी छोड़ दी और ट्रेडिशनल बिजनेस चालू किया। जैसे ही नौकरी छोड़ी, मेरे घर वालों की तरफ से, मेरे वाइफ के घर वालों की तरफ से बहुत जूते पड़े। लेकिन पता नहीं, मेरी वाइफ को, जो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्यों उसने इतना विश्वास किया मेरे ऊपर। खैर, मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस चालू किया, बिजनेस बढ़िया चल निकला। फिर सडनली क्या है, बिजनेस में लॉसेस हो गए। हम कंपनीज से लेते थे सामान और आगे कंपनीज को सप्लाई करते थे, तो जिन कंपनीज को हम सप्लाई करते थे, एक एक करके कई कंपनियां बंद हो गईं। जितना कमाया था सब चला गया, उल्टा कर्जा चढ़ गया। अब मैंने सोचा ये क्या खतरनाक बिजनेस कर लिया, तो मैं एक सेफ बिजनेस को तलाशने लगा। और एक ताइवान में एग्जीबिशन होती है साल में एक बार, तो मैंने ये सोचा कि वहाँ से कोई नया प्रोडक्ट लाएंगे और ये जो घाटा है ये पूरा कर देंगे। एक्चुअली घाटा तो काफ़ी ज़्यादा था, यानी वो घाटा उतना ही होता तो 20-30 साल में भी उतरता नहीं। लेकिन हमने कंपनियों में बैठ बैठ के काफ़ी पैसा उसमें से रिकवर कर लिया, लेकिन फिर भी काफ़ी पैसा रह गया। तो खैर, मैं जो है, फिर मैंने सोचा कि ताइवान से नया प्रोडक्ट लाके ये कंप्लीट करेंगे, ये सारा जो घाटा हो गया है। तो मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ मुझे कई अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और मुझे ये कहते हैं एलोवेरा और ये हेल्थ ब्यूटी और वेल्थ। तो एक 15-20 लोगों की मीटिंग थी, वो मैंने अटेंड की। और उसमें बाद में वो कहते हैं, जी आप ये फॉर्म वगैरह भर दो और आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपकी कंपनी कहाँ पे है ये इंडिया में? तो कहते हैं कि कंपनी तो नहीं है इंडिया में, तो नहीं है। तो मुझे ऐसे लगा कि ये लोग ठग हैं, इंडिया में कंपनी भी नहीं है, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं। मुझे ऐसे लगा ये 100-200-400 डॉलर ठगने के चक्कर में। तो मैं उनसे बचने का कोई रास्ता निकालने लगा कि भाई इधर से खिसक लो, गलत फंस गए कहीं। फिर बात बातों में पता चला कि फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। तो मैंने कहा फ्री में बनते हैं तो बना दे भाई, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं बन के चला आया उधर और आके भूल भाल भी गया मैं। फिर करीब 1.5 साल बाद मुझको फोन आया, जी कि ये बॉम्बे में कंपनी खुल गई है और वहाँ आप जाइए और वहाँ पे काम कीजिए। मैंने कहा, भाई मैं तो दिल्ली में हूँ और बॉम्बे क्या करूँगा मैं।
तो मैंने अमरजीत सर को कांटेक्ट किया, तो इन्होंने कहा जी कि हम दिल्ली में तो नहीं आएंगे, अभी तो हम बॉम्बे ही चलाएंगे पहले। तो खैर दो एक महीने बाद मुझे अपने काम से ही बॉम्बे जाना था, तो मैं चला, मैंने कहा भाई चलो इनके पास भी होके आएंगे, तो मैं वहाँ चला गया और अमरजीत सर वहाँ जो है एक छोटे से घर टाइप था, नीचे वो बेसमेंट में इनका ऑफिस था उसमें, तो उधर बैठे हुए थे। कि एक बार तो मुझे ये एमएनसी वगैरह बोल रहे थे, वो भी डाउट लगा कि ये एमएनसी है कि भी नहीं जाके। तो वहाँ पे खैर मैं ये 2 cc का सामान लेके वहाँ से चला आया और फिर मैंने जो है उसको यूज वगैरह कराया, लोगों को यूज कराया तो कई लोगों को अच्छा लगा। अच्छा उससे पहले क्या हुआ, जब इस बीच में जो है जो ये MLM की बात चली, तो मुझे पता ही नहीं था ये MLM होता क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। तो जैसे पता किया तो कई लोगों ने बोला भाई एक कंपनी हमने 4 साल की, एक रात को सोए सुबह उठे कंपनी भाग चुकी थी और हम सड़क पे आ गई। ऐसे ही कई लोगों ने बताया कि हमने 4 साल किया, एक कंपनी में 6 साल किया। तो मैंने कहा भाई ये तो स्टडी करना पड़ेगा कि ये फील्ड क्या है। तो मैंने क्या है एक 35 कंपनियों की लिस्ट पूछ के, इंटरनेट से देख के 35 कंपनियों की एक लिस्ट बनाई और सारी कंपनियों में धक्के खाना चालू कर दिया और 3 महीने तक करीब 35 कंपनियों में धक्के खाए। क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उस कंपनी को करूं जो सबसे बढ़िया ही हो और इसकी भी फॉरएवर की भी इंक्वायरी करनी थी। तो 3 महीने बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी है और दूर दूर तक इसका कोई मुकाबला नहीं। और फिर मैंने इसमें पार्ट टाइम काम करना चालू किया। कुछ महीनों में ही मैंने देखा कि ठीक ठाक इनकम आनी चालू हो गई। फिर मैंने सोचा कि भई ये तो पार्ट टाइम में ही पैसे आने चालू हो गए, इसको मैं फुल टाइम कर लूं या यहाँ पे और टाइम बढ़ा दूं तो और ज़्यादा पैसा आ सकता है। तो मैंने इधर टाइम बढ़ाना स्टार्ट किया, ट्रेडिशनल बिजनेस में घटाना स्टार्ट किया और फिर मैंने देखा कि मेरी इनकम बढ़नी चालू हो गई। और अभी बढ़ते बढ़ते ये हालत है कि अब तक 17 करोड़ रुपए से ज़्यादा मुझको ऑलरेडी फॉरएवर से आ चुका है। अभी यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, मज़े की बात यह है कि इतने पैसे के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया था। मैं यहाँ पे आया था कि 40-50 हज़ार रुपये महीने यहाँ से आ जाएं, 40-50 हज़ार रुपये महीने ट्रेडिशनल बिजनेस से आ जाएं, 80 हज़ार लाख रुपये महीने आएंगे तो लाइफ बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगी। इस तरह से मैं यहाँ पे आया था। अब सवाल, अब महीने के कितने बैठते हैं ये, पिछले 1 साल में मुझे करीब 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा आ चुका है। महीने का 15 लाख से ज़्यादा बैठता है, एक दिन का 50 हज़ार से ज़्यादा बैठता है। अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपकी सक्सेस का राज क्या है, आप इतने सफल कैसे हो गए इस बिजनेस के अंदर। तो मैं उनको 3 चीज ही कहता हूं कि इसके 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है ट्रेनिंग, दूसरा फार्मूला है ट्रेनिंग, तीसरा फार्मूला है ट्रेनिंग। देखिए यदि आपने 10-20-50 हज़ार रुपए कमाने हैं इस कंपनी से तो वो तो ऐसे ही आ जाएंगे, उसमें ट्रेनिंग व्रेनिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रोडक्ट वगैरह सीख लो थोड़ा बहुत और काम कर लो तो उससे भी आ जाएंगे। लेकिन यदि आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, आपको लाखों करोड़ों में चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ आपको कसरत करनी पड़ेगी। तो आप इस कसरत के लिए तैयार हैं क्या?
तो ये कसरत क्या करनी पड़ेगी, आपको एक तो प्रोडक्ट्स को समझना पड़ेगा, 25-30 प्रोडक्ट समझने ज़रूरी हैं, आपको जो कंपनी का बैकग्राउंड है उसको समझना ज़रूरी है, मार्केटिंग प्लान को समझना ज़रूरी है, मतलब इन बेसिक चीज़ों को समझना आपको ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको और भी समझनी ज़रूरी हैं, वो क्या है, वो है आपको स्माइल करना। स्माइल करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या है, हम सीरियस होके करते हैं इस बिजनेस को, और इंडिया को ऐसे भी रोते हुए लोगों का देश माना जाता है। 200 कंट्री हैं पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया का नाम उसमें एक रोते हुए कंट्री के रूप में जाना जाता है, 118 नंबर है इंडिया का। मतलब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे दिल्ली में एक स्कूल है उसमें बुलाया गया है एज ए विशिष्ट अतिथि, भाषण देने के लिए बुलाया गया, तो और भी लोग आए हुए थे वहाँ, VIP वगैरह। तो मेरी जो चेयर थी, जो प्रिंसिपल की चेयर है, उसके पास ही लगी हुई थी। तो मैंने प्रिंसिपल से पूछा, यार ये इधर मातम क्यों छाया हुआ है इतना, मतलब वहाँ ऐसे लग रहा था मुझे जैसे मैं किसी शोक सभा में आया हूँ, ऐसे नहीं लग रहा था किसी स्कूल में गया हूँ। तो उसने बताया प्रिंसिपल ने मुझे कि भाई इधर जो है ना, ये 200-250 हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, तो ये इनके काफ़ी लोगों के तो ये अनाथ हैं काफ़ी बच्चे, तो इसमें और काफ़ी सारे बच्चे बहुत ही गरीब हैं, ये पूरे इंडिया से आए हुए हैं, ये 200-250 लोगों बच्चों का रेजिडेंशियल स्कूल था। कहते हैं ये लोग बड़े गरीब हैं, अनाथ हैं, इसलिए ये इस तरह से रहते हैं। मैंने कहा यार ये तो कोई बात नहीं हुई कि भाई गरीब हैं तो वो हंस नहीं सकते। तो मैंने जो है जब ये सबके, अच्छा मेरा भाषण सबसे बाद में रखा गया, तो सबके भाषण ख़त्म हो गए तो मुझे बोला गया भाई कि भाई आप भाषण दो इनको, दो शब्द कहो। तो मैंने जो है उनको जो है ये बोला कि भाई आप सब रोते हुए लग रहे हो, मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं जैसे मैं किसी शोक सभा में आया हुआ हूँ, मैं आपको कुछ जो है तरीके बताता हूँ हंसने के, और यदि आप खुश हो जाओगे तो मतलब वो ही मेरी जीत है। तो मैंने उन्हें कुछ बच्चों को सिखाए हंसने के फार्मूले कि कैसे हंसा जाए, और फिर तो वहाँ जो है जितना मतलब खिलखिलाए वो बच्चे, वो प्रिंसिपल भी बोला भाई मैं यहाँ करीब 15 साल से हूँ, मैंने इन बच्चों को ऐसे हंसते खिलखिलाते आज तक नहीं देखा। फिर बाद में कई बार वहाँ मैं गया तो जिधर से निकल जाता तो बच्चे मतलब खुशी की लहर दौड़ जाती। एक ऐसे ही एक आध वाक्य उधर भी हुआ है, अहमदनगर गया मैं महाराष्ट्र में, वहाँ 200-250 बच्चे उसके थे, वो तो एड्स पीड़ित थे सारे बच्चे, तो संस्था है वो चला रही थी उसको, तो वहाँ भी यही इसी तरह का किस्सा हुआ, तो वहाँ भी उनको ये ट्रेनिंग दी। तो उसको जब वहाँ से आ रहे थे तो एक बच्चे ने मुझको पकड़ लिया उधर, छोटे से बच्चे ने, और मुझको कहता है सर आप फिर कब आओगे, यानी बड़ा इमोशनल सीन था ये। तो फिर हमने उन लोगों को कहा कि हर साल हमारे यहाँ से कोई आपको जो है ना यहाँ पे जरूर आएगा, हर साल एक साल में एक बार। तो ये हंसना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूटर्स में। और इसका मैं FLP का भी एग्जांपल आपको देता हूँ। ब्राज़ील के जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हैं आजकल, वो जब ये कंपनी ज्वाइन की थी उन्होंने फॉरएवर, तो वो जो है इसमें सफल नहीं हुए, कई महीने तक काम करते रहे वो सफल नहीं हुए। फिर उन्होंने अपने अपलाइन के साथ बैठे वो
और उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज किया कि भाई मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ। फॉरएवर एक बढ़िया कंपनी है, मार्केटिंग प्लान बढ़िया है, प्रोडक्ट्स बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है, मैं सफल क्यों नहीं हो रहा इसमें। तो जब एनालाइज किया गया तो ये पता चला कि जब ये कस्टमर से बात करते हैं तो ये जो है रोते हुए करते हैं बात, मतलब इनका जो चेहरा है, जो मुखड़ा है, वो पसंद नहीं आता कस्टमर को। क्योंकि कस्टमर क्या पसंद करता है? एक खुश चेहरा। आप फोटो भी खिंचवाते हैं तो कैसे खिंचवाते हैं? क्या बोलता है वो? चीज़ बोलता है। ऐसे क्यों खिंचवाते हैं? हाँ, अच्छा लगता है, वो यादगार है वो। तो उस डिस्ट्रीब्यूटर ने ये सीखा, हंसना बाकायदा, एक मिरर लिया, मिरर के सामने प्रैक्टिस वगैरह करके ये सारा सीखा उन्होंने। और सीखने के बाद फिर वो हंसना सीख गए और फिर उन्होंने काम करना चालू किया, फिर उन्होंने काम करना चालू किया, फिर सफल नहीं हुए। अब फिर से एनालाइज किया, भाई ये तो हंसने की कमी थी और हंसना भी सीख गए, अब क्या चक्कर है? तो फिर एनालाइज करने में ये आया कि जब ये दूसरे बंदे के पास सामने हंसते थे तो कस्टमर को ऐसे लगता था जैसे रो रहे हों। तो फिर मर्ज समझ में आ गया, मतलब जो प्रॉब्लम थी वो फिर पकड़ में आ गई। तो फिर इन्होंने एक्चुअली कि कैसे सीखा जाए हंसना प्रॉपरली, फिर प्रैक्टिस की द्वारा से, और फिर जो है ये द्वारा से हंसना सीख गए। और फिर क्या हुआ, ये फिर मिलियन डॉलर टॉप डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ के बने। मिलियन डॉलर का मतलब इनकी जो सालाना की इनकम है 6 करोड़ से ज़्यादा सालाना की इनकम में पहुँचे। मतलब आप ये सोच के देखें कि एक बंदा जो सक्सेसफुल नहीं था वो केवल हंसना सीख के और कितने इनकम पे पहुंच गया है? मतलब 6 करोड़ रुपए साल का मतलब है करीब 50 लाख रुपए महीने, 50 लाख रुपए महीने की इनकम पे वो इस कला को सीख, यानी ये कला सीखी और वहां पे पहुंच गया। देखिए, आगे बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सबसे पहली चीज होती है कि प्लेटफॉर्म। आपने देखा होगा बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाइफ में 30 साल 40 साल 50 साल मेहनत करते हैं और वो भी एक 50,000 रुपये महीने की इनकम पे नहीं पहुंच पाते। आपने कभी सोचा है कि इसका रीजन क्या होता है? इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद वो एक 50,000 रुपए महीने के इनकम पे भी नहीं पहुंचते। दोस्तों, यदि आप एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि इन लोगों को लाइफ में एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, एक अच्छा पथ प्रदर्शन, एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है और उसकी वजह से वो लाइफ में आगे बढ़ने से रह जाते हैं। आज जो प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है ये पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। पूरी दुनिया के अंदर करीब 1 लाख कंपनियां हैं। इन 1 लाख कंपनियों में जहां आप बैठे हुए हो ये सबसे बढ़िया कंपनी है उसमें। सर्वेज भी हो चुके हैं इसके, 2015 में का सर्वे हुआ। इन 1 लाख कंपनियों में जो बेस्ट कंपनी किसको माना गया 2015 की? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को। इसके बाद 2016 का सर्वे हुआ, 2016 के सर्वे में किस कंपनी को बेस्ट कंपनी माना गया? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को। इंडिया के अंदर भी सर्वे हुए, पहले सर्वे करके 16 कंपनियों को सिलेक्ट किया गया और फिर
उनकी गहराई से जांच की गई इन 16 कंपनियों की, और आपको जानकर खुशी होगी कि इन 16 कंपनियों में से भी किस कंपनी को बेस्ट कंपनी माना गया है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को। दोस्तों, पर्टिकुलरली आज जो नए लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर इससे सिंपल बिजनेस नहीं हो सकता है। और आप में यहां पे बैठा हर व्यक्ति इसको कर सकता है, और हर व्यक्ति इसको करके करोड़पति बन सकता है। और इंडिया का व्यक्ति तो इसको, इस बिजनेस को पेट से सीख के आता है, मां के पेट से सीख के आता है। मैं बताता हूं कैसे। आप कहीं पे जाते हैं, मान लिया एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, और खाना इतना स्वादिष्ट है कि आप उंगलियां चाटते हैं वहां पे। अब आप खाना खा के घर आ जाते हैं, फिर क्या करते हैं आप? चार लोगों को बताते हैं। नहीं बताते तो क्या होता है? कुछ मानसिक शांति नहीं पड़ती, नहीं पेट में गुटरगू गुटरगू होता रहता है, होता है ऐसा। अब आप अगली बार जब रेस्टोरेंट में जाएंगे तो क्या वो फ्री खाना खिलाएगा? नहीं। या आप कोई फिल्म देखने चले जाएं और फिल्म ऐसी 12 से 3 का शो आप देखते हैं, और आपको ये लगता है अगले 3 शो भी देख के जाऊंगा मैं तो, लेकिन आप टिकट विंडो पे जाते हैं और टिकट नहीं मिलती आपको, आप जो है वापस आना पड़ता है घर आपको। और घर आ गए आप, घर आके फिर क्या होता है? घर आके फिर आप 4 लोगों को बताते हैं, नहीं तो क्या होता है? मानसिक शांति नहीं मिलती और पेट में गुटरगू होती है। तो हम क्या कहते हैं फॉरएवर में, कि आप हमारे 10 प्रोडक्ट यूज करो, और इन 10 प्रोडक्ट्स में से आप कम से कम 5 प्रोडक्ट्स के मुरीद हो जाओगे। और फिर उन 5 प्रोडक्ट्स का आप क्या करोगे? आप बताना चालू करोगे उनको, और बताना चालू करोगे तो क्या होगा? काम चालू, बिजनेस चालू आपका। अब आप बताएं, इससे सिंपल बिजनेस हो सकता है क्या कुछ? मेरा टाइम हो गया लगता है, है भैया। देखिए, आप एक सही रेलगाड़ी में बैठेंगे ना तो सही जगह पहुंचेंगे। देखिए, यहां से आपने मुंबई जाना है। अब मुंबई जाने के बहुत तरीके हैं, आप फ्लाइट से जा सकते हैं वहां पे, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, और बैलगाड़ी से भी जा सकते हैं। लेकिन यदि आप बैलगाड़ी से भी चले गए तो आप कहां पे पहुंचेंगे? अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। यदि आपकी मंजिल है करोड़पति बनना, तो आप यदि बैलगाड़ी में भी पहुंच गए तो भी मुंबई पहुंच जाएंगे, नहीं? यदि आप सही सड़क पे हैं और आप बैलगाड़ी से कूदे नहीं, नहीं, बैलगाड़ी बहुत धीरे धीरे चलती है, तो यदि धीरे धीरे भी यहां पे चलोगे तो भी आप किसी भी लेवल तक यहां पे पहुंच जाओगे। धीरे ही पहुंचोगे ना, लेकिन डायरेक्शन तो ठीक है ना आपकी, एक सही रास्ते पे तो जा रहे हो ना आप। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है, किसी भी ऊंचाई पे आप जा सकते हैं यहाँ पे, और मेहनत जो है आपने ही करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, पानी घोड़े को खुद पीना पड़ता है। यदि आप आज यहां से शपथ लेके चले जाएं कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है,
और मुझे कुछ भी हो जाए दुनिया के अंदर, मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कई लोग मुझे पूछते हैं जी मैं क्या करूं, मैं कई लोगों को बोलता हूं तू भूत बन जा, एक साल के लिए भूत बन जा। भूत का क्या काम होता है? भूत को यह नहीं पता होता रात के 2:30 बजे या दिन के 2:30 बजे हैं, वो उसे काम करने से मतलब है। और एक साल जिसने काम कर लिया यहां पे, वो क्या है फिर मैनेजर बन जाएगा। मैनेजर की इनकम होती है 50,000 से लेके 2,00,000 रुपए महीने तक, और उसके बाद तो ऑटो गियर में चल जाएगा वो, नहीं ऑटोमेटिक काम करेगा मोटिवेशन। फिर बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, अंदर से जब पैसा आएगा वो ऑटोमेटिक काम करेगा। ओके, तो अभी मुझको 2 लाइनें याद आ रही हैं क्योंकि बार बार मेरी तरफ देखा जा रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, 2 मिनट लगेंगे क्योंकि नए लोगों के लिए जरूरी है। देखिए, नए लोगों को हम यहां पे कहते हैं जी आप यहां 6 महीने काम करो, 1 साल काम करो, आपको 50,000 रुपये महीने आने लगेंगे, 1,00,000 रुपये आने लगेंगे, 2,00,000 आने लगेंगे, 3,00,000 आने लगेंगे। दूसरी तरफ बंदा 50-50 साल में 50,000 रुपये महीने भी नहीं आ रहे, तो ये बात जल्दी से हजम नहीं होती कुछ। लेकिन यदि आपको पता चल जाए कि ये पैसा कहां से आता है, क्यों आता है, किस तरह से आता है, तो फिर कन्विंस हो जाएंगे आप, और फिर एक नया व्यक्ति भी काम करने लगेगा। नहीं तो थोड़ी सी ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है कि जहां पे आप कोई दूसरा बिजनेस या सर्विस करें, जो वहां 50 साल में आप कमाएंगे वो यहां 5 साल में वो कमा सकते हैं उतना ही। आप एक केमिस्ट पे जाएं, मान लिया वहां एक गोली खरीदते हैं आप, ये गोली 1 रुपए की आती है मान लिया, तो ये फैक्ट्री से कितने की चलती है? ये 10-20-30 पैसे की चलती है, आपको 1 रुपए की मिलती है। बीच में क्या है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, आपका दुकानदार, शॉपकीपर, ये सब लोग होते हैं, डीलर वगैरह, तो इनके मार्जिन उसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि इनमें धर्मार्थ के लिए कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा होता, तो इनके मार्जिन उसमें, मार्जिन प्रॉफिट पैसा उसमें जुड़ जाता है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, आमिर खान बोलते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, 20 करोड़ रुपए जेब में घुस गए। ये 20 करोड़ क्या कंपनी घर से लाके देगी? नहीं, प्रोडक्ट से ही निकलेगा ये, ठीक। इसके अलावा 20,000 लोग पूरे इंडिया में मार्केटिंग में लगे होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग सैलरी 5,00,000 रुपए महीने, प्रेसिडेंट मार्केटिंग सैलरी 10,00,000 रुपए महीने, 30-40 जनरल मैनेजर सैलरी 2,50,000 रुपए महीने, इसके अलावा फील्ड स्टाफ, ट्रांसपोर्टेशन, ये वो, ये 20,000 लोगों का जो तामझाम है, इसका खर्चा कहाँ से निकलता है? इसका खर्चा प्रोडक्ट से ही निकलता है। इस सिस्टम को कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अमेरिका के अंदर 45-50% बिजनेस इस तरह से किया जाता है। अब एक तरह दूसरा बिजनेस होता है जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग। अब जो फॉरएवर है इस तरीके से काम करती है, नेटवर्क मार्केटिंग के तरीके से, तो जो पैसा वहां डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन सब लोगों को जा रहा था, दुकानदारों वगैरह को, उस पैसे को बचा लिया जाता है और उस पैसे को इधर दे दिया जाता है, हम लोगों में बांट दिया जाता है उसको, क्योंकि अलग से कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है वहां पे। आमिर खान को जो 20 करोड़ रुपए मिले थे एडवर्टाइजमेंट के, उसको भी बचा लिया जाता है, और वो कहां पे दे दिया जाता है?
हम लोगों के बीच में उसको बांट दिया जाता है, क्योंकि अलग से एक रुपया भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं करती है। हम लोग ही कंपनी के अमिताभ बच्चन और करीना कपूर हैं। ये जो 20,000 लोगों का जो तामझाम होता है, उसके खर्चे को भी बचा लिया जाता है और वो कहाँ दे दिया जाता है, वो हम लोगों में बांट दिया जाता है। अब मैं नए लोगों से एक क्वेश्चन करता हूं, यदि इतना सारा पैसा हमको मिले तो क्या आप सोचते हैं कि 6 महीने में या 1 साल में आपको 50,000 या 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख रुपए महीने आ सकता है? ओ, समझ गए आप, बस यही तो समझाना था। अभी खैर मुझको बार बार रिमाइंडर आ रहा है, मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं। लाइनें क्या हैं? ये मेरी जिंदगी का मतलब आईना है एक तरह से। आंखों में सपने थे, हम कभी गिरते रहे कभी संभलते रहे। आंखों में सपने थे, हम कभी गिरते रहे कभी संभलते रहे। आंधियों ने पूरा दम लगाया, मेरे चिराग आंधियों में भी जलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।